नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वायरल टॉपिक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPSI 2018 वैकेंसी के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि MPSI वैकेंसी 2018 का अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है, कुछ हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा था, उन्हीं को बताने के लिए ये वीडियो को बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और उसी के बाजू में ही एक बेल आइकन आएगा जिसे आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों जो MPSI की वैकेंसी निकलनी है 2018 में, अभी उससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले जो कमेंट आया था कि इस साल वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 99% चांसेस है वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो इलेक्शन वाला ईयर है इसमें शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो वैकेंसी लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो व्यापम का कैलेंडर है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी वैकेंसी नहीं डाली है, तो उम्मीद है जैसी डलेगी तो इसकी भी वैकेंसी डलने की पूरी पूरी चांसेस है। वैसे जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो तो 100% आनी ही है। अब बात करते हैं अगर वैकेंसी आएगी तो कब आएगी, तो दोस्तों ये बताना बहुत मुश्किल है कि कब आएगी। अगर आती है तो जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और कितनी पोस्ट आएंगी तो दोस्तों ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है बताना। दोस्तों जैसा कि हर टाइम, जैसे लास्ट टाइम जो निकली थी 600 के आसपास वैकेंसी निकली थी, तो इस टाइम अगर निकलती हैं तो उतनी ही वैकेंसी निकलने की पूरी पूरी चांसेस हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसी में ही लिखा रहेगा कि जो एग्ज़ाम डेट है कब रहेगी, ऐसे एग्ज़ाम डेट कोई बता नहीं सकता कि कब रहेगी दोस्तों। लेकिन अगर वैकेंसी आती है तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होना है इस बार MP के कैंडिडेट्स के लिए होना है, क्योंकि जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनका जो कोटा है अब वो कम कर दिया गया है, 5% कम कर दिया गया, सॉरी 5% कर दिया गया। पहले जो कोटा होता था पूरा ओपन होता था, जैसे अभी जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी इसमें देखा गया था कि MP के बाहर के कैंडिडेट जो जनरल अनरिजर्व के लिए जो 5000 वैकेंसी थी अप्रॉक्स, उसमें 60% से ज़्यादा बाहर के कैंडिडेट्स ने वैकेंसी ले ली थी। इस कारण इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है और अब जो कोटा है उसको कम करके 5% कर दिया गया है, तो जब MP के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जैसे इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या न्यूज़ आती है तो हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।